चामली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें गवाह हैं कि भले ही यूपी में निजाम बदल गया है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था के हाल जस के तस है। स्वास्थ्य सुविधाओं का अंदाजा इन अंधेरी तस्वीरों से लगाया जा सकता है। लाइट है नहीं, अंधेरे में मरीज परेशान हो रहे हैं और टॉर्च की रोशनी में इलाज किया जा रहा है। यहाँ पे लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, भीड़ इतनी हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, फोन की टॉर्च जला कर देख रहे हैं। मजबूर परिजनों के पास इस अस्पताल में आने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और जब अस्पताल के हालातों पर प्रशासन से पूछा गया तो वो कैसे बचते नजर आए, आप खुद ही सुनिए। टॉर्च की रोशनी में बच्चों को देख रहे हैं, क्या मामला है? अभी भी फॉल्ट हुआ, मिस्त्री ठीक कर रहा। क्या फॉल्ट हुआ डॉक्टर साहब? अब बिजली का तुम बता दो, मैं तो बिजली का मिस्त्री नहीं हूँ। यूपी की सत्ता पर काबिज होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में 24 घंटे बिजली देने के निर्देश दिए, लेकिन शामली के अस्पताल की ये तस्वीरें जमीनी हकीकत बयां करने के लिए काफी। शामली से पंकज मलिक के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।